अब देखो शक्तिमान का तो पता नहीं, पर मार्वल डीसी के फुटस्टेप को फॉलो करते हुए इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ने आने वाले टाइम पर कुछ ऐसे एपिक, थंडरस और क्योटिक लेवल की 5 अपकमिंग यूनिक स्टोरी टेलिंग से बनी कड़क सुपर हीरो मूवीज रिलीज होने वाली है, जो लिटरली इंडिया के पॉप कल्चर के अंदर नेक्स्ट लेवल का बेंचमार्क सेट करेगी। तो चलिए देखते हैं वो कौन से 5 देसी सुपर हीरो मूवीज है जो मार्वल डीसी के सुपर हीरोज को भी कच्चा चबाने का कैलिबर रखते हैं। मुझे पता है झूठ बोल रहा है। लिस्ट पर नंबर 5 पे है द इमॉर्टल अश्वत्थामा। अब देखो ये बात किसी भी नर्ड को बताने की जरूरत नहीं है कि लेजेंडरी डेडली किलर अश्वत्थामा की इस साईफाई सुपर हीरो मूवी को काफी सालों पहले इस मार्वलस प्रोजेक्ट को अनाउंस कर दिया था, जिसमें विक्की कौशल बैडएस अश्वत्थामा के कैरेक्टर को प्ले करने वाला था। बट आज के डेट में इस सुपर हीरो मूवी को लेके वक्त, जज्बात, हालत सब कुछ बदल चुका है, क्योंकि जब से जियो स्टूडियो ने इस मूवी को बैंकरोल करने का मूड बनाया है, तब से ये बात चौड़े में कंफर्म हो चुकी है कि इस मूवी के अंदर विक्की कौशल को रिप्लेस करते हुए आइकॉनिक सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की एंट्री होने वाली है, जिस वजह से अश्वत्थामा की डेडली सुपर हीरो मूवी को अल्टीमेट लेवल का बूस्ट मिलेगा। और जितनी टेरर, डार्क, डेविलिश लेवल की अश्वत्थामा की हिस्ट्री रही है, आई मीन इस इमॉर्टल मैन के फोकलोर्स किससे ही काफी है सभी की फाड़ के रखने के लिए। और जब ऐसे लेजेंड ग्रे कैरेक्टर को अल्लू अर्जुन जैसा बंदा अपने भौकाल से भरे स्वैग के साथ जब इस कैरेक्टर को प्ले करेगा, तब लिटरली अश्वत्थामा का ये सुपर हीरो कैरेक्टर कल्ट क्लासिक और आइकॉनिक बन जाएगा। और ये बात किसी को बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि जिस चीज पर मोटा भाई का गोल्डन हाथ लग जाता है, वो अल्टीमेट लेवल पर ग्रैंड और मैग्नोपस बन जाती है, जिसका क्लियर कट मतलब यही निकलता है कि अश्वत्थामा के इस सुपर हीरो वर्जन को पूरे गाजे बाजे के साथ बजट को इंक्रीज करते हुए मूवी को विजुअली इपिक और स्टनिंग लेवल का ट्रीटमेंट दिया जाएगा। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। नंबर 4 पे है प्रोजेक्ट के। अब देखो 2024 की स्टार्टिंग में ग्रैंड लेवल पे रिलीज होने वाली है डार्लिंग प्रभास की प्रोजेक्ट के। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि प्रोजेक्ट के को 2 पार्ट्स के अंदर रिलीज किया जा रहा है। और ये बात सभी को पता होनी चाहिए कि बैडएस प्रभास की ये फ्यूचरिस्टिक साईफाई सुपर हीरो मूवी महाभारत के कलयुग के मॉडर्नाइज वर्जन को प्रेजेंट करने वाली है। दैट मींस इस क्योस से भरी मूवी के अंदर जो प्रभास का कैरेक्टर होने वाला है, एक्चुअली में वो लॉर्ड विष्णु का कल्कि अवतार होगा। और क्योंकि प्रोजेक्ट के ये मूवी हेवीली महाभारत के मेटाफोर्स को यूज कर रही है, तो ऑफ कोर्स मूवी का कंक्लूजन वर्ल्ड वॉर 3 के हेवी बैटल के साथ ही होगा। और ये चीज बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि इस मूवी के अंदर एक्सट्रीम लेवल के सुपर पावर्स हमें देखने को मिलेंगे, वो भी अनइमेजिनेबल सुपर कैरेक्टर्स के साथ। तो अश्विन नाग के डायरेक्शन में बनी साउथ की इस पैन वन सुपर हीरो मूवी से ये तगड़े लेवल के होप्स लगा सकते हैं कि ये मूवी मार्वल डीसी की सुपर हीरो मूवीज को टक्कर दे सकती है। और इस बंदे को एक शील्ड ला के दो। लिस्ट पे आगे नंबर 3 पे है क्रिश 4। देखो जब जब भी वर्ल्ड के नर्ड कम्युनिटी के अंदर इंडियन सुपर हीरो का जिक्र किया जाएगा, तब तब प्राउडली इंडिया का कल्ट क्लासिक आइकॉनिक सुपर हीरो क्रिश को पूरे रिस्पेक्ट के साथ हेवीली मेंशन किया जाएगा। और इस बार ऋतिक रोशन अगेन क्रिश के आइकॉनिक सूट को पहनने के लिए रेडी है क्रिश 4 में। पर दिल को ऑर्गेजम देने वाली बात यह है कि इस बार इस सुपर हीरो मूवी के अंदर साईफाई का तड़का देने के लिए मूवी के अंदर 500 किलो धूप खाने वाला आइकॉनिक एलियन जादू की एंट्री होने वाली है, जिसका मतलब ये है कि अल्टीमेट सुपर हीरो मूवी क्रिश 4 के अंदर म्यूटेंट एलियन सुपर हीरो मिलकर एक नेक्स्ट लेवल की बैटल करने वाले हैं। और विजुअली भी ये मूवी सुपर नर्ड्स के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं होने वाली है। पर मैं एक सुपर हीरो जॉनर का क्रेजी फैन होने के नाते इस बात को लेकर एक्साइटेड हूँ कि इस मूवी के अंदर जादू के कैरेक्टर को किस लेवल पे और कितने हेवी सुपर पावर्स के साथ यूज किया जाएगा, या फिर यही वो धूप खाने वाला एलियन होगा जो क्रिश 4 का सबसे बड़ा सुपर विलन बनेगा। तुम्हारी धूप से मिलने वाली शक्तियों का राज अब मैं समझ गया। लिस्ट पर नंबर 2 पे है ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 और 3। आफ्टर द कमर्शियल ब्लॉकबस्टर सक्सेस ऑफ ब्रह्मास्त्र पार्ट 1, अयान मुखर्जी ने कुर्सी की पेटी बांधते हुए पार्ट 2 और पार्ट 3 की ऑफिशियल फकिंग रिलीज डेट अनाउंस कर दिया है, जहां ब्रह्मास्त्र का पार्ट 2 देव 2026 दिसंबर में रिलीज होगा। वही साइमल्टेनियसली 2027 के दिसंबर में ब्रह्मास्त्र के थर्ड पार्ट को रिलीज करके ट्रायलॉजी को कंप्लीट किया जाएगा। अब देखो अस्त्र वर्ष के इस सुपर हीरो सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर बाकी अस्त्रों के ऊपर या उनके सुपर कैरेक्टर्स के ऊपर मूवीज बनेगी भी या नहीं, इस चीज का पता नहीं। पर ब्रह्मास्त्र के पार्ट 2 के अंदर वानर अस्त्र, नंदी अस्त्र का शाहरुख और नागार्जुन का कैरेक्टर वापस आ सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 मोस्टली एक स्पिन ऑफ मूवी होगी, जिसमें देव और अमृता की डेडली लव स्टोरी को एक्सप्लोर करते हुए सुपर हीरो के तांडव को दिखाया जाएगा, जिसका एक छोटा सा ग्लिम्स हमें ब्रह्मास्त्र के पार्ट 1 में देखा था जब दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर को दिखाया जाता है। अब देखो यहाँ पर लिस्ट की नंबर 1 सुपर हीरो मूवी का नाम रिवील करने से पहले मैं ये बात कहना चाहूंगा, वैसे तो नंबर 1 स्पॉट शक्तिमान की ट्रायलॉजी डिजर्व करती है, पर अनफॉर्चुनेटली पिछले एक साल से इस मूवी के ऊपर कोई अपडेट ही आया नहीं है, लिटरली छटाक भर का भी नहीं। तो इसीलिए नंबर 1 स्पॉट पे शक्तिमान को रिप्लेस करते हुए हनुमान ये मूवी अपने ग्लोरियस सिनेमैटिक यूनिवर्स के साथ देसी इंडियन सुपर हीरो को प्राउडली प्रेजेंट करेगी, क्योंकि प्रशांत वर्मा ने अपने विजन से एक ऐसा भौकाल से भरा सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने का मूड बनाया है, जिसमें गॉड्स की एंशियंट
हिस्ट्री को फैंटेसी फिक्शन फोकलोर्स का मास्क पहनाते हुए फुल ट्रेडिशनल कल्चरल वे में इन सुपर हीरोज को प्रेजेंट किया जाएगा, जिसकी किक स्टार हनुमान की सुपर हीरो मूवी से होने वाली है। तो ये थे वो 5 अपकमिंग कैलिबर से भरे इंडियन सुपर हीरो मूवीज, जिनकी स्टोरी, कॉन्टेंट, विजन और स्केल इंडियन पॉप कल्चर के अंदर नेक्स्ट लेवल का बेंचमार्क सेट करते हुए मार्वल डीसी की एमसीबीसी कर सकते हैं।